देख पा रहे होंगे, ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी, जब चालू था, इसका ख्याल रखा जा रहा था और किसान इसका लाभ उठा रहे थे और बहुजन समाज पार्टी को जो मजबूती भी मिल रही थी और उससे कुछ भी थे, पर आज ये हाल है। आप अंदर से देख पा रहे होंगे कहीं पर कुछ डरा है, कहीं पर कुछ डला हुआ है। और साल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को, एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अब रो रहा है दुख के आंसू, हो रहा है बर्बाद। आइए बताते हैं कैसे हो रहा है बर्बाद। ये है उत्तर प्रदेश जनपद हाथरस सादवा विधानसभा क्षेत्र का सहकारी जो शीतगृह यानी सरकारी, ये सरकारी है, वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। इससे किसान व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको बताने की कोशिश करें, प्राइवेट जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो 140 रुपये प्रति कट्टा भाड़ा ले रहे हैं और मध्यम वर्ग का जो किसान है वो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, उसकी मारी नहीं झेल पाएगा। कभी कभी आलू सस्ता हो जाता है तो कोल्ड में ही सड़ जाता है और कोल्ड वाले उसको निकाल के फेंक देते हैं। अगर ये सरकारी जो शीतगृह है सादवा विधानसभा क्षेत्र में अगर ये चालू होता तो मध्यम वर्ग का किसान इसमें आलू रखता फ्री में और लाभ भी उठाता। पर साथियों दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें ये चालू नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में इसका ख्याल रखा गया, इसको चालू रखा गया। अंदर से हम बताते हैं आखिर क्या है, इसका कैसा हाल बन गया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिए गए किसानों के तोहफे का। साथियों जिस तरीके से आप कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा पा रहे होंगे, सफाई 0% है। ग्राउंड से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। लगातार आप बिल्डिंग का हाल भी देख पा रहे होंगे, सीमेंट झड़झड़ करके नीचे गिर गया है और इस पर साफ साफ लिखा गया सहकारी शीतगृह सादवा संचालित जिला सहकारी संघ 2091 टेम्पियर नगर मथुरा। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा जो पुराना शीतगृह सरकारी किसानों के लिए तोहफा था, एक आप कह सकते हो कि ये तोहफे के तौर से कम नहीं है, किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता था। आज इसका ये हाल है, अगर आज ये चालू होता तो किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे करती है किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। अगर साथ हैं तो इस कोल्ड स्टोरेज को भी चालू करवाएं जिससे कि किसानों को फ़ायदा मिल सके। हमने ये देखा तो हमें भी दुख हुआ कि किसानों के लिए शीतगृह बनाया गया और आज इसका ये हाल है। किसान हाल इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट कोल्ड स्टोर हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। आपको जैसा कि सभी को पता ही, किसान कहते रहते हैं समाज के व्यक्ति देश के व्यक्ति की प्राइवेट हैं जो उनको फ़ायदा दे रही है सरकार, तो इससे भी साबित होता है कि फ़ायदा कहीं ना कहीं दे रही है। अगर ये चालू होता तो किसान व्यक्ति यहाँ पे फ्री में आलू रखते और कहीं ना एक नहीं ज़्यादा नहीं तो 100-200 किसानों को तो राहत मिलती, वही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर ज़रूरतमंद के एक व्यक्ति को मदद मिल जाए तो उसके लिए वो किसी उपहार से कम नहीं, किसी तोहफे से कम नहीं। तो आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी द्वारा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट विशाल कुमार के साथ। देख पा रहे होंगे ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी, जब चालू था, इसका ख्याल रखा जा रहा था और किसान इसका लाभ उठा रहे थे और बहुजन समाज पार्टी को जो मजबूती भी मिल रही थी और उससे कुछ भी थे, पर आज ये हाल है। आप अंदर से देख पा रहे होंगे कहीं पर कुछ डरा है, कहीं पर कुछ डला हुआ है और लगातार हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। जो भी अब हम सहकारी कोल्ड स्टोर शीतगृह के छत पर आ चुके हैं, लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिखाइए कैमरामैन से, इसकी दीवारें किस तरीके से चटक चुकी हैं और दीवार लफ चुकी हैं, यानी कि जो कभी भी गिर सकती हैं। और किसानों की अगर सरकार हितैषी है तो इस कोल्ड स्टोरेज जो शीतगृह है सहकारी, इसकी मरम्मत कराए और किसानों को लाभ दे। हम आपको बता दें, एक और जानकारी के अनुसार बता देते हैं कि ये जो कोल्ड स्टोरेज है सहकारी कोल्ड स्टोरेज, ये काफ़ी ज़्यादा समय पुराना है। 1972-75 में ये बना था, मानवर साहब कांशीराम जी के ज़माने में बना था, समय में बना था जब वो थे, जब ये बना था। और आज इसकी ये हालत है, जो 2 साल पहले चालू था और इसमें भाड़ा भी रखे थे, किसानों ने लाभ भी उठाया, पर अब इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है और लगता भी नहीं कि ये अब चालू होगा। खुदाई को 20 दिन हो गए पर इसमें कोई भी साफ सफाई नहीं है और इससे आप साफ समझ सकते हो कि ये शायद चालू हो या ना हो। आप अपनी कमेंट में राय देना और लगातार आप हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं उनमें इसका ख्याल रखा गया।
और जैसा कि आप सभी को पता ही है सरकार किसकी है और आज इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर के साथ।